गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी बताने वाला हूँ, जो हमेशा हमेशा के लिए कुछ नहीं तो गाइस मैं आज आपको अपनी यूट्यूब जर्नी बताने वाला हूँ, जिससे मैंने यूट्यूब चालू करा और ग्रोथ करी है अपने चैनल की, और मेरे दो फ़ोन्स भी बताने वाला हूँ जिससे मैंने चालू करा, और आज मेरे पास कौन सा फ़ोन है, कैसा फ़ोन है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल्स में। तो गाइस स्टोरी चालू होते हैं एक गांव के लड़के से, यानी कौन, माई। तो गाइस मैं तो गांव में रहने वाला था, तो मेरा क्या काम था, बस हगना, घूमना और खाना खाना, बस ये सब काम करते रहता था मैं दिन भर। तो एक दिन मैं गांव के अंदर घूम रहा था तो मैंने देखो साला साइड में बैठे कुछ 5-6 लंडे पबजी खेल रहे थे। ठीक है, तो मैंने पूछा भाई ये पबजी कहाँ है यार, तो उन लोगों ने बताया है। तो फिर उसके बाद मैंने, मेरे पास एक फ़ोन था, यानी अपना सैमसंग गैलेक्सी मेरा फ़ोन है, जो मेरे पास पहले के टाइम में था, और तब मैं था सेकंड क्लास में। तो गाइस मैंने देखा तो भाई साहब कसम से उन बंदों ने मेरे फ़ोन में डाउनलोड करा, भाई मेरे फ़ोन में दिख नहीं रहा पबजी, दिख भी नहीं रहा कि कहाँ पे है पबजी, कहाँ मिल ही नहीं रहा उधर पबजी प्ले स्टोर पे। तो फिर मैंने वापस रो रो के एक फ़ोन लिया, जो कि अभी के टाइम पे तो वो चोरी हो गया है। तो बस उसमें फ्री फायर चालू हो गया था, तो बस उसके अंदर मैं पबजी में चालू करने की कोशिश करने लगा। मैं गया वापस भाई लोग के पास, भाई लोगों ने बोला इसमें भी नहीं होगा, तो मैं फूट फूट के रोया। तो फिर मैंने क्या करा, फिर एक आध दिन मैं अपनी मौसी के यहाँ गया, क्या मौसी के यहाँ, तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोगों ने फ्री फायर खेला, क्या फ्री फायर देखते हुए, तब मेरा दिमाग में हुई हलचल, बस उस टाइम तो नहीं हुई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था गेमिंग के बारे में ज़्यादातर, इसलिए मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो मेरे फ़ोन में डाउनलोड करके देखा तो हो रहा था भाई। तो फिर मेरे को अच्छा लगा क्योंकि उस टाइम आया ही आया था, और वो 50 MB का था, 53 आसपास MB का था, क्योंकि उसे आए हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था, एक दो हफ्ते हुए थे आए हुए, और उसी दिन मैंने उसे डाउनलोड कर लिया था। लेकिन मेरी इतनी आईडीज बैन हुई है, नहीं तो मैं अभी तक तो सीज़न 2 सीज़न 1 लेके बैठा होता। तो गाइस एक आध दिन में देखो गाइस मेरे को, मैंने पता है क्या सोचा, मैं पीसी प्लेयर देखता था तो उनके इतने छोटे छोटे कंट्रोल होते थे, मैंने कर लिया भाई मेरा हाथ नहीं जम रहा तो मेरा गेम प्ले नहीं हो रहा। तो फिर मैंने क्या कर पाया, मैंने थोड़े बड़े बड़े कंट्रोल करे, 2-3 महीना खेला, 4-5 महीने, तो मेरे को समझ में आया कि शॉर्ट रेंज की गन कौन सी है, लॉन्ग रेंज की गन कौन सी है, एमो डलती है इसमें कौन सी नहीं डलती, हेडशॉट कैसे मारते, सब कुछ सीख चुका था मैं। तो मेरी आती थी उस टाइम कितने की, 10 रुपये की एयर ड्रॉप, क्या आती थी 10 रुपये की एयर ड्रॉप। तो भाई इसमें एयर ड्रॉप देखा तो मैंने सोचा क्या यार, हमारे मेरे पास तो कोई बैंक वगैरह था नहीं। तो गाइस आपको याद होगा कि जब अपन वो वोडाफोन की सिम में बैलेंस डलवाते थे तो अपन वहाँ से रिडीम कोड मिल जाए, वो अपन टॉपअप कर सकते थे। तो गाइस मैंने वही करा और मेरी 10 रुपये की मैंने 2 एयर ड्रॉप करी, जो कि वो 12 रुपये ले सकता उसे करने के लिए। तो मतलब थोड़ी बहुत अगर आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आए तो गाइस सॉरी। तो गाइस फिर उसके बाद मैं गया सीधे, मैंने टॉपअप कर लिया, फिर उसके बाद मेरे को मिले डायमंड से का दिल में हलचल हुई, मैंने उड़ाया, मेरे पास उस टाइम डीजे आलोक जो है परमानेंट आ गया। तो गाइस उसी टाइम डीजे आलोक शायद प्रोनाउंस भी नहीं हुआ था, कौन सा करेक्टर था यार वो, मैं डायमंड से कोई करेक्टर खरीदा है, शायद वो डीजे आलोक नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बस, लेकिन शायद मेरे कोई तो करेक्टर खरीदा था उस टाइम, ऐसे चालू ही हुआ था, लेकिन मैं उसके बाद वाली बात बता रहा हूँ, शुरू में तो मैं टॉपअप करा नहीं था, बाद में जब करेक्टर्स वगैरह आने लग गए तब करा था मैंने टॉपअप, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने करेक्टर खरीदा। ओके, तो फिर मैं खेलना वेलना सीख गया। खेलने वेलना सीखने के बाद मेरे को जो है गेम में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर एक आध दिन मेरे दोस्त ने बोला क्या कहते हैं यूट्यूब पर तो वीडियो डाला कर, ऐसे वैसे उसने बोला। तो मैं शुरू में तो मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं थी कि मैं वीडियो, एक आध वीडियो बनाना स्टोरेज फुल हो जाती, इसलिए मैं बार बार वीडियोस बनाता और अपलोड करता फिर डिलीट कर देता वीडियोस को, जिससे मेरे को काफ़ी परेशानी आती और एडिटिंग तो आती नहीं थी इसलिए। तो बस मेरे चैनल पर आपको बहुत फालतू वीडियोज़ मिलेंगे जो कि मैंने डिलीट कर दिया अभी के टाइम पर, जो कि आपको अभी नहीं मिलेंगी, लेकिन पता नहीं अभी तो आपको नहीं मिलेंगी, वन सेकेंड। हाँ, अभी से दिक्कत रही है। तो फिर उसके बाद भाई साहब मज़े आने लग गए मेरे को गेम खेलने में, और मैंने वीडियो डाली तो मेरे को मेरी वीडियो पे एक दिन
जो आपने सबसे पहले वीडियो देखी थी गाइस, मैंने उस वीडियो पे 2.8K व्यूज चले गए, जिससे मेरे दिल में हुई हलचल। और आप सोच रहे हो गाइस 2000 व्यूज जाने पे क्या फुदक रहा है यार तू, वैसे अभी भी उतने ही जाते हैं लेकिन। और उस टाइम फिर मैं माइनक्राफ्ट भी जा गया था, क्योंकि मैं उस टाइम में थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई थी, इसलिए मैं माइनक्राफ्ट भी खेलने लग गया था। तो उस टाइम मैं आ गया था फोर्थ स्टैंडर्ड में, क्या फोर्थ क्लास में, वैसे मेरी गलती, स्टैंडर्ड क्यों बोला, क्यों बोला यार आज तूने, क्यों बोला, क्यों बोला यार तूने, क्यों मेरी बेइज्जती होगी यार कमेंट में अब, ठीक है। तो फोर्थ क्लास में आ गया मैं, और अभी मैं फिलहाल तो सिक्स्थ क्लास में हूँ, मैं सेवन्थ की बोल रहा हूँ, सिक्स क्लास में अभी मैं, 2 साल हुए। तो गाइस मैंने इस चीज़ों में मैंने बहुत चीज़ें सीखी है कि यूट्यूब पर ऐसे ग्रो होता है, ऐसे ग्रो होता है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं जैसे मेरी तरह, मैं अभी और ग्रोथ करूँगा, एक दिन तो मैं बन के दिखाऊंगा, लेकिन कभी गिव अप मत करना। कभी ये सोच के मत आना कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, भाई पैसे के लिए मत आया करो यूट्यूब पे, ठीक है गाइस। पैसे के लिए आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम 2-3 दिन चलाओगे और छोड़ दोगे कि नहीं हो रहे सब्सक्राइबर, नहीं होंगे। और आजकल के लोगों को, आजकल के बच्चों को देखा है तुम लोगों ने 2022 के, अरे थोड़ी बहुत वीडियो वायरल नहीं हुई तो हटाओ, पहले मैं भी ऐसा था, लेकिन फिर मेरे में थोड़ा बहुत जोश आया और मैंने करना चालू करा जो है यूट्यूब। तो फिर जब मेरे 600 सब्सक्राइबर हुए इस फ़ोन से, तो फिर मेरा पता क्या हुआ, मैंने पापा से जिद करके यार अच्छा फ़ोन ले लिया, क्या नहीं, पोको M3 Pro 5G, पोको C3, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चोरी हो गया। उसके अंदर भी अब तब पता नहीं पबजी नहीं चल रहा था, शायद वो सेकंड हैंड फ़ोन लिया था, हाँ सेकंड हैंड फ़ोन लिया था, उसके अंदर भी पबजी नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों दिख भी नहीं रहा था यार, पता नहीं आप बताइए। तो बस वो फ़ोन तो चोरी हो गया था, वो फ़ोन लिया, उसके अंदर मैंने अब वीडियो डाली और चोरी वोरी करा। और फिर उसके बाद जब मेरे 1K हो गए, तो गाइस अभी मैंने रिसेंट ले लिया ये फ़ोन। तो गाइस मेरी, आप सोच रहे होगे कि इसकी इनकम वगैरह नहीं आती, तो गाइस मेरी इनकम आती है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी इनकम आती है, अभी आती है, सच्ची आती है। लेकिन मैंने अब फ़ोन ले लिया है पोको M3। तो गाइस वो फ़ोन मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों फ़ोन मेरे सैमसंग वाला और एक पोको वाला, क्योंकि एक फ़ोन ना मेरे चोरी हो गया पोको C3। तो गाइस मैं भी आपको दोनों फ़ोन दिखाने वाला हूँ। लेकिन गाइस जिस, अब तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस फटाफट कर दो। और गाइस आजकल ये माँ का सब मौज, माँ से प्यार करती हूँ, ये सब लोग काका से पैदा हो रहे हैं, तो गाइस इन सबको चप्पल फेंक के मारा करो, सारे गुस्सा आती है इन लोगों से मेरे को, इसलिए गाइस आपको कभी गिव अप नहीं करना। और गाइस कभी पैसे के लिए यूट्यूब में स्टार्ट नहीं करना, आपको बस अपने, अगर आपको मज़ा आए तो आपको करना है, और नहीं मज़ा आए तो आप, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है खुद के लिए तो गाइस करो। तो गाइस सबसे बड़ा हाथ है मेरे यूट्यूबर बनने के लिए मेरे दोस्त, वैसे अभी बना नहीं हो, लेकिन गाइस मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, क्या बहुत, कि तू कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तो इसलिए गाइस बित्ती आगे तक पहुंच पाए हो। तो गाइस मैं अभी आपको अपने दोनों फ़ोन दिखाता हूँ, जो कि मेरे दोनों फ़ोन हैं, तो मैं आपको दोनों फ़ोन दिखाता हूँ अपने। तो गाइस ये मेरे सैमसंग फ़ोन, तो इस फ़ोन से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और ये अभी मेरी मम्मी का फ़ोन है, जिसके अंदर अभी मेरी मम्मी चलाती हैं उस फ़ोन को। तो अरे ये सिंपल सादा सा लॉक डाल रखा है, बस ये इस फ़ोन में मैंने चालू कराया। और गाइस मैं अभी आपको अपना पोको M3 Pro 5G दिखाने वाला हूँ। तो गाइस उससे पहले आप इसे देख सकते हैं, पीछे मेरा दाब भी लिखा है, आगे दोर दिखेगा, दिया आपको ढंग से पढ़ सकते हैं, तो गाइस पढ़ लो। ओके तो फिर ऐसे ऐसे मैंने इस फ़ोन से जल्दी चालू करी। तो गाइस ये फ़ोन मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है यार, बहुत मुश्किल से मिला ये फ़ोन। तो गाइस मेरा पोको M3 Pro 5G देखो आप, तो फिर ये देखो। तो गाइस अभी सैमसंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गाइस क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, वैसे इससे तो अच्छी है, मेरा कैमरा साफ नहीं था इसलिए। तो गाइस ये मेरा पोको M3 Pro 5G फ़ोन है, जो कि मैंने लिया 16,500 का, ठीक है गाइस। तो गाइस बस यही थी मेरी जर्नी। तो गाइस अगर आपको मेरा फेस रिवील भी जल्दी देखना है तो गाइस, और अगर आपको मेरी कोई और भी गेम खेलना है जैसे माइनक्राफ्ट जर्नीस, कुछ भी कोई भी से भी गेम का कंटेंट चाहिए आपको, तो गाइस कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है आपके लिए, आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी कमेंट करो। तो गाइस बाय बाय, टाटा, गुड बाय एंड बी साउट गाइस।